भाई कल SRH वर्सेस RCB के मैच के अंदर फाइनली 200 साल के बाद RCB को जीत मिली गई, वो भी उनके गेंदबाजों की वजह से। भाई कल तो RCB ने पावर प्ले के भीतर भीतर सारे असुर भस्म कर दिए, वो भी उन्हीं के लोक में। बेचारा ट्रेविस हेड सोच के है कि आज तो हलाल कर दूंगा RCB को, मगर अब की बारी पास ही उल्टा पड़ गया। जिस तरह से कल SRH का पावर प्ले निकला है ना, बेचारी काव्या को पिछले 2 साल की याद आ गई। भाई कसम से RCB को मैच जीते इतने जमाने बीत चुके थे ना कि ये जीत भी RCB की फाइनल की जीत से कम नहीं लग रही थी। स्टेडियम में बेचारे RCB फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाकी अब की बारी फैफ डुप्लेसी ने अपना दिमाग चलाया, सोचा कि अगर बॉलिंग ले लिया तो ये हमारे महान दानवीर आज कहीं 300 रन ना पिटा दे, बाद में बॉलिंग करेंगे तो सिर्फ उतने पिटाएंगे जितने हमने बनाए होंगे। तो अब की बारी फैफ ने अपने गेंदबाजों का थोबड़ा देखकर पहले बॉलिंग करने का बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, वरना तो भाई आज सारे सोच के बैठे थे कि अगर SRH की पहले बैटिंग आ गई तो आज तो पक्का 400 नहीं तो 300 तो पार है ही है। आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। मगर भाई आज RCB के गेंदबाजों ने काम तगड़ा करा। अब कैसे किया तो फैफ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और आते ही विराट भाई और फैफ ने मिलकर हैदराबाद के बॉलरों पर धावा बोल दिया, मगर ज्यादा तेज खेलने की वजह से फैफ चौथे ओवर के अंदर अपनी कैच थमा दिए। फिर पावर प्ले के बाद मार्कंडे ने स्लो बॉल पर विल जैक्स को चकमा दे दिया, मगर फिर आए शताब्दी की स्पीड के अंदर रजत पाटीदार और बेचारे मार्कंडे को रिमांड में लेकर 104 छक्के जड़ दिए। मगर हमारे कोहली भाई जो शताब्दी की स्पीड के अंदर थे वो एकदम से पैसेंजर बन गए, लेकिन फिर रजत पाटीदार ने अपनी 50 पूरी करी और कैच देकर वो भी बाहर चलते बने, और फिर कोहली भाई ने अपनी 50 पूरी करी और वो भी कैच दे बैठे। इसी तरह से लुढ़कते पुढ़कते पैट कमिंस की 50 करा के और कैमरन ग्रीन्स के 37 रनों की वजह से RCB के बन गए 206 रन। अब SRH बैटिंग करने उतरी तो भाई कल चमत्कार हो गया, पावर प्ले के भीतर भीतर SRH के 4 दानव धाराशाही हो गए। पहले तो फर्स्ट ओवर के अंदर विल जैक्स ने ट्रेविस हेड को 1 रन पे आउट कर दिया, फिर 31 बनाकर अभिषेक का बल्ला शांत हो गया और उसके बाद डेब्यू करे स्वप्न ने एडन माकरम को LBW कर दिया, और फिर थोड़ी सी पिटाई खाने के बाद क्लासन को भी निपटा दिया। फिर पावर प्ले के बाद करण शर्मा ने नीतीश रेड्डी को बोल्ड कर दिया, और फिर टाइम आउट के बाद अब्दुल समद को भी कॉटन बोल्ड कर दिया, जिसपे काव्या जी ने बड़ा प्यारा सा रिएक्शन दिया, लेकिन फिर पैट कमिंस ने आकर हाथ खोलने शुरू किए, मगर फिर पैट कमिंस की लंका उनके अपने घर के बेदी ने डा दी, और उसके बाद जो छोटी सी जीत की बत्ती भुवनेश्वर ने आके जगाई थी वो भी ग्रीन ने फ्यूज कर दी। अब आखिरी तक शहबाज ने अपना बल्ला तो चलाया मगर वो जीत के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, और RCB ने 1 महीने 7 मैच के बाद अपना दूसरा मैच जीत लिया पूरे 35 रनों से। हार गए? नहीं, कल तो RCB मैच जीत गई। हाँ, और कल तो इस दानव ने 1 रन पर ही घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। और भाई कमेंटेटर कह रहे कि RCB शायद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर जाए। अरे, नाना जी टांग, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। ए, चुप रे।